अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हालचाल है आप सभी की। अ वेरी गुड वाली वेडनेसडे मॉर्निंग। वो कहते हैं ना कि आज वही कल है जिस कल का इंतजार आपको कल था। तो कहने का मतलब ये है कि कल के लिए अच्छी तैयारी ये है कि आज अच्छा करो, अपने आज में जियो, आज खुश रहो, आसपास के लोगों को अपनी जात से ना तकलीफ ना दो और अपना काम पूरी शिद्दत और ईमानदारी से करो। यही असली कामयाबी है, ऐसा बड़े बुजुर्ग कहते हैं। तो वही जस्ट रिपीट कर रही हूँ आप लोगों के लिए। और देखो, मेरे हिसाब से तो कामयाब वही है जो किसी दूसरे के चेहरे पर ना खुशी ले आए, जैसा कि आप हर रोज करते हैं, है ना। तो इसी खूबसूरत सी बात के साथ शो का आगाज करते हैं, जिसका नाम है हैशटैग फिल्मी है नाजिया के साथ। फिल्म 107 पे दिल से देसी अभी से लेकर 1 बजे तक रहने वाली हूँ आपके साथ। कमाल बातें होंगी, धमाल सॉन्ग्स होंगी। आओ व्हाट्सएप फिल्में जिनका चिका आओ। वेलकम बैक गाइस, आप सुन रहे हो शो हैशटैग फिल्मी नाजिया के साथ एफएम 107 पे दिल से देसी 1021 ऑन द क्लॉक। और देखा जाए तो मौके पे चौका लगाना कोई बॉलीवुड स्टार से सीखे। फेस्टिवल हो, ट्वीट हो, शादी हो, बर्थडे हो, वीडियो वायरल हो, मौके को सही तरीके से कैश कर ही लेते हैं। जैसे भाईजान की मूवी देखा जाए तो फेस्टिवल्स पर रिलीज होती है, एंड वी नो दैट कि ईद के मौके पर इनकी मूवीज आती हैं, लेकिन राधे के बाद से इन्होंने थोड़ा सा अपने आप को बदला है और सोचा कि भाई इतनी ज्यादा फ्लॉप मूवी गई तो चलो कुछ और करके लोगों को कहीं ना कहीं अपने साथ जोड़ के रखें। तो भाईजान की अब मूवी आ रही है, वो है फिर से फेस्टिवल का मौका। जी हाँ, गणेश चतुर्थी के मौके पर गणपत सॉन्ग भी लॉन्च होगा, ऐसी अनाउंसमेंट आ चुकी है। अभी हाल ही में सलमान की मूवी अंतिम द फाइनल ट्रुथ का पोस्टर सामने आया और काफी इंटेंस लुक में नजर आ रहे हैं सलमान। वैसे इसी फिल्म का पहला सॉन्ग जो है ना वो गणेश चतुर्थी के खास मौके पर लॉन्च किया जाएगा और इस सॉन्ग में वरुण स्पेशल अपीयरेंस देंगे। राइट, वहीं अपने स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ सभी को चौंका दिया है एक्ट्रेस कॉमेडियन भारती ने। सुनने में आ रहा है कि ये किसी खास के कहने पर ना अपना वेट कम कर रही है, लूज कर रही है, और देखा जाए कुछ 15 kg वेट इन्होंने कम भी कर लिया है। और आजकल लोगों को बड़ी बढ़िया वाली टिप्स दे रही है कि कैसे अपना वेट कम किया जा सकता है। और ऐसे में वो बोलते बोलते मैं बोल ही गई है कि रात 7 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक इस बीच में मैं कुछ नहीं खाती। हाँ, ये बात अलग है, ब्रेकफास्ट करना नहीं भूलती हूँ, शॉर्ट मील्स का भी उन्होंने जिक्र कर ही दिया। तो भाई ऐसे में एक फ्रेंड ने उनसे कह ही दिया या पूछ ही लिया कि जरा ये क्लियर कर दीजिए कि दिन के 12 PM या फिर 12 AM, जिस पर भारती जो थी वो बकायदा बहुत ज्यादा भड़क गई और उन्होंने अच्छी खासी सुना दी इस फ्रेंड को और कहा कि कुछ खुद तो कुछ करना नहीं है, दूसरों को डिमोटिवेट करते रहते हो। तो देखो जी भारती, अगर आप बिना सोचे समझे कुछ भी बोलेंगी तो लोग पूछेंगे ही, ऐसे में भड़कती क्यों हो, कुछ खा लो, शांत हो जाओ, कुछ नहीं तो पानी पी लो। हैशटैग फिल्मी है इतनी नाजिया ऑन एफएम 107 दिल से देसी। वैसे देखा जाए तो दूल्हे राजा अगर मूवी की बात करें तो बहुत ही अच्छी मूवी थी, हल्की फुल्की कॉमेडी थी, बड़ा ही अच्छा इसका कॉन्सेप्ट था। और जो बीच बीच में वो अपना आवाज बदल के जो बनते हैं, कैरेक्टर चेंज करते हैं, वो तो अमेजिंग था। वेल, बहुत सारी बातें और भी हैं, लेकिन अभी बढ़ जाते हैं अपने सेगमेंट टॉक टेक्स की तरफ। हाय, माइक साउंड टॉक टेक्स। Un viaje está, he removido cielo y tierra y no te encontré. वेलकम बैक गाइस, आप सुन रहे हो शो हैशटैग फिल्मी नाजिया के साथ एफएम 107 पे दिल से देसी। तो भाई ओटीटी प्लेटफॉर्म की फेमस स्पेनिश सीरीज मनी हाइस्ट को दुनिया भर में लोग पसंद कर रहे हैं। ये एक क्राइम थ्रिलर सीरीज है 2017 की, जिसमें प्रोफेसर के रोल को ना सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है। वहीं आजकल ना प्रोफेसर के हमशक्ल का फोटो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसे खुद एक्टर ने जब देखा तो देखते ही रह गए, हू बहू इन्हीं की शक्ल, इन्हीं की तरह दिखने वाला ये शख्स है कौन। तो मैं आपको बताऊं, ये शख्स है, इसका ताल्लुक पाकिस्तान से है और एक छोटी सी ग्रोसरी स्टोर पर काम करता है। यहाँ जब इन्होंने इस बंदे की फोटो देखी तो लोगों का कहना है कि अगली सीरीज में इस बंदे को लेना ही चाहिए। यहाँ पर मैं तो कहूंगी कि लुक अलाइक वाली थ्योरी ना साबित होती है, जिसके मुताबिक रफली अ पर्सन हैज 6 डॉपलगैंगर्स इन द वर्ल्ड, जिसका ये मतलब हुआ कि देयर आर 7 पीपल विद 1 फेस।
वो इस चेहरे को पहचानते हैं, इसीलिए शायद हॉलीवुड से लेके बॉलीवुड तक हम शक्लों के कॉन्सेप्ट्स पर इतनी सारी मूवीज बनती आ रही हैं कि बस पूछो मत। डबल रोल तो बहुत ही कॉमन है, ट्रिपल रोल भी होते हैं। वही हाँ, कुछ मूवीज ऐसी भी आई हैं जहां पर एक ही एक्टर ने मल्टीपल रोल्स किए, यानी मोर देन 1, 2, 3, 7, 8 रोल किए हैं। वैसे यहां से ना मेरे दिमाग में एक सवाल आ गया, चलो आप लोग से पूछ ही लेती हूँ कि अगर आपको 1 घंटे की मूवी में मौका दिया जाए कि किसी एक एक्टर या फिर एक्ट्रेसेस को आप देखना चाहोगे, वो भी 10 डिफरेंट रोल्स में, मल्टीपल रोल में, तो वो कौन होगा, क्यों होगा? 1 घंटे की मूवी, 10 कैरेक्टर में एक ही बंदा या बंदी, ओए होए कैसे बर्दाश्त करेंगे? कौन हो सकता है जिसे आप बर्दाश्त करना चाहोगे? 666-22-107 इज द नंबर। ट्रैक आपने एंजॉय किया ऑन हैशटैग फिल्मी है विद मी नाज़िया ऑन एफएम 107 दिल से देसी, 10:50 ऑन द क्लॉक गाइस। और अब हम बात करते हैं कतर की, और कतर टूरिज्म ने अनाउंस कर दिया है 1 एंड ओनली शॉप कतर फेस्टिवल, जो कि स्टार्ट हो रहा है 10 सितंबर से और जारी रहेगा 10 अक्टूबर तक। वेल, इस फेस्टिवल के दौरान 15 डिफरेंट वेन्यूज विल ऑफर डिस्काउंट एंड दैट टू अप टू 90%। हां जी, सोच लो, तो इस 5th एडिशन में पहली बार कतर ड्यूटी फ्री भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वेल, इस फेस्टिवल के तहत मौका है जीतने का 100 ऑफ कैश प्राइजेस, कार्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? मैं तो डेट का इंतजार कर रही हूँ कि कब 10th सितंबर आए। वहीं पर आपको बताएं कि 5th इंटरनेशनल हंटिंग एंड फाल्कन एग्जीबिशन कल से स्टार्ट हो गई एंड इट विटनेस्ड अ ह्यूज टर्न आउट, एंड लेट मी टू एड ऑन, ऑल विद प्रिकॉशनरी मेजर्स। जी हाँ, बिल्कुल याद रखें कि वी आर नॉट कम्प्लीटली डन विद दिस, इसीलिए आपसे हम बार बार रिक्वेस्ट भी करते हैं कि जब भी आप बाहर निकलते हैं, पब्लिक प्लेसेस पर जाते हो, तो ऐसे में अपना मास्क जरूर प्रॉपर तरीके से लगा के रखिए, और साथ ही आपकी मोबाइल में एथराज एप्लीकेशन का होना लाजमी है। जी हाँ, वही मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ ने अनाउंस किए हैं 172 नए कोविड के केसेस, जिनमें 62 ट्रैवलर्स हैं और साथ ही 249 पीपल रिकवर्ड फ्रॉम कोविड। दिस इज अ गुड इंडिकेशन। लेकिन इसके अलावा, जैसे आप जानते हैं कि मौसम जो है ना वो धीरे धीरे बदल रहा है, तो ऐसे में फ्लू वगैरह होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो व्हाट यू कैन डू इज कि फ्लू वैक्सीन भी अवेलेबल है, तो वो आप PHCC यानी पब्लिक हेल्थ सेंटर्स पर जाकर लगवाइए, वैक्सीन लीजिए। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज होता ये है कि एक ही नजर में लोग ना आपको ताड़ जाते हैं कि भाई बंदे को ना फ्लू है, फिर क्या दूर दूर भागते हैं, खुद को थोड़ा सा एम्बैरेसिंग सा लगता है ना। तो ऐसे में पहले से ही अगर आप खुद को बचा के रखोगे फ्लू से, सो इट्स गुड फॉर यू। अपनी हेल्थ का ख्याल रखो। पान टीम और मौजूदा एशियन चैंपियन कतर के दरमियान मुकाबला 1-1 की बराबरी पर खत्म हुआ। इंग्लैंड ऑलराउंडर बेन स्टोक्स अगले महीने यूएई और ओमान में होने वाले T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट से महरूम हो सकते हैं। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने अमेरिका के जेनसन ब्रिस्बे को 1-6, 6-3, 6-2, 6-2 से हराकर US ओपन क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। अमीर कप टेबल टेनिस चैंपियनशिप के 25वें एडिशन का पहला राउंड दोहा में कल शुरू हुआ। कतर और दुनिया के मारूफ स्पोर्ट्स स्कूल एस्पायर एकेडमी ने नए तालीमी साल का आगाज COVID-19 हिफाजती प्रोटोकॉल के दरमियान किया। आपने सुना स्पोर्ट्स हेडलाइंस ऑफ दिस आवर ओनली ऑन एफएम 107 दिल से। ऐश्वर्या ने ना इस पूरी फिल्म में, बिकॉज कि उनकी हाइट जो है, अगर वो हील्स वगैरह पहनेंगी तो गोविंदा से ज्यादा हो जाएंगी लंबी ऊंची, तो उन्हें खास तौर से कहा गया था कि प्लीज आप जो है ना बिल्कुल फ्लैट्स में रहेंगी। एट द सेम टाइम गोविंदा जी ने सोल डबल किए थे कि थोड़ा सा ऐश्वर्या जी के हाइट तक पहुंच जाए। वैसे एक्टिंग के मामले में नहीं, एक्टिंग के मामले में गोविंदा हर मायने में हर तरीके से ऊपर ही है। चलो जी, इसी के साथ 11:08 ऑन द क्लॉक, और अब बढ़ जाते हैं सेगमेंट आखिर से शुरू की तरफ। जब भी कोई लड़की देखे यू, वाव, आखिर से शुरू, वाव। तो भाई, आखिर से शुरू में आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी मूवी की जहाँ पर दो गैंग्स हैं, बिच्छू एंड ईगल गैंग, और इनकी लड़ाई फाइनली बिच्छू गैंग के लीडर प्रकाश की एक्सीडेंटल मौत पर एंड होती है। वैसे देखा जाए तो प्रकाश की डेथ जो है वो कुछ प्यार करने वालों के बीच नफरत भी पैदा कर देती है, लेकिन एंड में सच्चाई सबके सामने आती है और मूवी का हमेशा हैप्पी वाला एंड दिखाया ही जाता है, तो इस मूवी में भी ऐसा ही हुआ है। वहीं इस मूवी की शुरुआत होती है गोवा के वास्को
वास्को टाउन से, जो कि अल्बर्टो वास्को के नाम पर रखा गया है, जहां पर इस शख्स की स्टेचू को सभी लोग आकर सलाम कर रहे हैं, इसको प्रेज कर रहे हैं। और यहां इसी पूरी पार्टी में, इस पूरे माहौल में, इस पूरे इवेंट में एक औरत जो है वो भरी महफिल में इसके लिए अब्यूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करती है। तो कहानी दो राइवल स्ट्रीट गैंग्स की है जो सिटी का डिमार्केशन कर देते हैं इन ऑर्डर टू अवॉइड अल्टरकेशन। फिर कहानी में एंट्री होती है एक पढ़े लिखे मास्टर शेफ की, जो कि मुंबई से गोवा अपनी फैमिली को लेने आता है और फिर वहीं का होकर रह जाता है। तो ऑपोजिट गैंग के लीडर की बहन से प्यार और फिर दोनों के बीच की तकरार, यही है इस मूवी का सार। तो अगर आपको समझ में आती है कि मूवी है कौन सी तो मुझे बताइए 666-22107 पर। और अभी के लिए बढ़ जाते हैं और मैंने आपको एक मूवी बताई और पूछा कि भाई इस मूवी का नाम आप गेस करके मुझे बताइए, तो बड़े सारे लोगों ने सही सही जवाब दे दिया है। आई एम श्योर ये सारे लोग जो हैं इन्होंने मूवी जरूर देखी है। वही साजन बलोच जी हैं, अमरुला दीवान जी हैं, वो कहते हैं कि उन्होंने मूवी नहीं देखी। तो ये तो होता है जब मूवी नहीं देखी तो आप कुछ भी गेस नहीं कर सकते, ऐसे कितना तुक्का लगाएंगे, ऐसे क्या कर सकते। तो देखी है तो देखी है, नहीं देखी तो नहीं देखी, कोई बात नहीं, देख सकते हैं, आगे भी देख लीजिएगा। अच्छा, जिन लोगों ने सही जवाब दिए उनके नाम यहाँ पे हम झटपट इंक्लूड करते हैं। संतोष जी हैं, आफताब शाहिद जी हैं, मोहम्मद यूसुफ हैं, सर मुबीन बुखारी जी हैं, अब्दुल अजीज जी हैं, और सुभान जी हैं, शेख नूर जी हैं, शिवम हैं, अनवर अहमद हैं, आर के थापा जी हैं, आहद रजा जी हैं, और सुभान का हम शामिल कर चुके, जानी मोहम्मद जी हैं, विक्रांत चौधरी हैं, मोहम्मद मोइन जी हैं, और इलियास जी। इन लोगों के नाम मैंने देख लिए जिन्होंने मूवी का सही जवाब दे दिया है। वहीं कुछ लोग अभी गेस भी कर रहे हैं और कुछ एक आध नाम और भी बता रहे हैं मुझे, तो वो नहीं है। मैंने जैसे आपको लिख भी दिया कि नाजी ये नहीं है। वहीं पर हमारे पास मैसेज है सैयद खादिम हुसैन जी का, आपने सलाम कहा है, तमाम सुनने वालों को सलाम कहा है, नेक ख्वाहिशात। और साथ ही प्रोग्राम में अच्छा प्रोग्राम सुनने का आप कहते हैं मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन मैसेज जरूर करता हूँ, दैट सो नाइस ऑफ यू। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और ढेरों दुआएं आपने दी हैं भाई, बहुत 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 शुक्रिया आपका। इसी के साथ हमारे पास मैसेज है किसका, ये है स्माइल जी, और क्या कहना चाहते हैं। अच्छा जी, स्माइल जी कहते हैं हाय नाजिया, हाय मेरा एक दोस्त जो है ना वो शादी से परेशान है, आप कुछ कह दीजिए। अच्छा मैं क्या कहूँ, मैं तो यही कह सकती हूँ कि अच्छा परेशान है तो उसका कोई सलूशन जरूर निकालिए। एंड एक की इंग्रेडिएंट है खुश रखने का या रहने का इज पेशेंस, ठीक है, थोड़ा सब्र रखें और हो सके तो झूठी तारीफ भी कर दिया करें कभी कभी, मतलब दिल पे पत्थर रख के तो कर ही सकते हैं ना, अगर आप कितने भी परेशान हैं लेकिन कभी मौका निकाल के ऐसे तारीफ तो कर ही सकते हैं, तो ये जरूर कीजिए। अच्छा जी, इसके साथ है जसविंदर जी का मैसेज, थैंक यू सो मच, इतनी अच्छी अच्छी बातें आपने लिखी हैं, थैंक यू। अनवर अहमद जी गुड मॉर्निंग कहते हैं, हैप्पी वाला वेडनेसडे कहते हैं, वेलकम कहते हैं, एंड थैंक यू सो मच, इतनी अच्छी अच्छी बातें आप लोग लिखते हैं, मेरा दिन बन जाता है। तौर पर यह समझा जाता है कि इबादत सिर्फ नमाज, रोजा, जकात, हज और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने का नाम है, लेकिन हम रिस्क हलाल के लिए जो कोशिशें करते हैं वो भी इबादत है। दूसरों के दुख दर्द में शरीक होना भी इबादत है। हम अपने अजीज व अकारब और दोस्त अहबाब से जो हुस्न सलूक करते हैं, उनके हकूक अदा करते हैं, तो वो भी इबादत में शामिल है। लोगों को भलाई की तरफ बुलाना और बुराई से रोकना भी इबादत है। तो इससे ये मालूम हुआ कि एक मोमिन अपनी पूरी जिंदगी को दीन के इल्म की बदौलत इबादत बना सकता है। इस तरह उसका चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, हत्ता के सोना भी इबादत बन जाता है। अल्लाह ताला हम सबको इन इबादत की तौफीक अता फरमाए। पैगाम ऑन FM 107 नूर अल्ला। एक बार यानी बताने के लिए एक बार कोई आ चुका है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक कॉलर, चले करते हैं इनसे बात। हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम मैडम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैडम, अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र, मजे में अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है, हमेशा ऐसे ही खुश रहें, हमारी दुआएं आपके साथ। अच्छा जी, तो हमारे साथ जो है वो हैं जानी मोहम्मद जी, तो आपने मूवी सही गेस कर ली, मूवी का नाम बताएंगे आप? मूवी का नाम है मैम जोश। शाहरुख थे, ऐश्वर्या थे, चंद्रचूड़ थे, शरद कपूर थे, ये सारे थे, तो मूवी आपने देखी तो होगी, है ना? देखा मैम, लेकिन बहुत पहले देखा मैम, अभी तो याद नहीं, अभी जब जो देखा था 90s का हूं मैं।
अभी इतना याद नहीं है, जिंदगी में लगे हुए अभी। सही सही सही। अच्छा चलिए ऐसे छोटा सा आपसे पूछती हूँ कि इस मूवी में ना शाहरुख खान किस गैंग से होते हैं, और ऑप्शन भी मैं आपको दूंगी, बिच्छू गैंग से होते हैं या फिर ईगल गैंग से होते हैं? ईगल गैंग तो शाहरुख खान की रहती ना मैम। हाँ देखो सही बता दिया आपने, बिल्कुल सही याद है। अच्छा इस मूवी में गाना गाया था शाहरुख ने, वो पता है कौन सा गाना था? उतना याद नहीं है मैम। अच्छा इस मूवी का आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? हम भी है जोश में बातें कर होश में, ये है मैम। अच्छा जी चलो जी यही मिलकर एंजॉय करते हैं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया शुक्रिया मैम, आपके फोन पे बात करके बहुत तबीयत खुश हो गई। थैंक यू, सेम हियर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ मैम। बज रहे थे, देखा जाए तो इस मूवी जोश मूवी में ना टोटल कुछ नहीं तो 6 सॉन्ग्स थे, जिसमें से 5 सॉन्ग सुपर डुपर हिट हुए थे। जी हाँ, जोश का टाइटल ट्रैक हो, मेरे ख्यालों की मलिका हो, हम तो दिल से हारे, हाय मेरा दिल, या फिर अपुन बोला, जो ये सॉन्ग था ना अपुन बोला, ये इनिशियली शाहरुख और ऐश्वर्या को ऑफर किया गया था प्लेबैक सिंगिंग के लिए, जहां पर ऐश्वर्या ने ये कहकर मना कर दिया कि नहीं एक्टिंग ठीक है, मैं गा नहीं सकती, लेकिन हाँ शाहरुख खान एज वी नो दैट कि वो तैयार हो जाते हैं नए नए चैलेंज जिसको एक्सेप्ट भी करते हैं। उन्होंने ये सॉन्ग गाया था हेमा सरदेसाई के साथ खुद। भाई क्या बात है, बहुत टेक्स तो जरूर हुए थे लेकिन बंदे ने करके दिखाया। वैसे देखा जाए तो जोश मूवी एक एक्शन ड्रामा मूवी थी, जिसे कह सकते हैं कि मंसूर खान की कमबैक मूवी भी कहा गया। इस मूवी में शाहरुख खान थे, ऐश्वर्या थी, प्रिया गिल थी, शरद कपूर थे, चंद्रचूड़ सिंह थे, शरद सक्सेना थे, अली असगर थे, इन द लिस्ट इज ह्यूज, बहुत सारे एक्टर्स थे। और ये मूवी ना 1960 की ऑस्कर विनिंग मूवी वेस्ट साइड स्टोरी से इंस्पायर्ड थी। तो पहले प्रकाश का रोल जिसे शरद कपूर जी ने निभाया था, ये रोल पहले ना आमिर को ऑफर किया गया था, जिन्होंने ये कहकर रिफ्यूज कर दिया कि शाहरुख का रोल मुझसे ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए मैं ये रोल नहीं करूंगा। उप्स। वैसे अगर ये आमिर कर लेते तो देखा जाए तो आमिर की और शाहरुख की ये पहली ही एक साथ में मूवी होती, मतलब पहली बार ऐसा होता जब दोनों एक्टर्स एक ही मूवी में नजर आते। वैसे हाँ ऐसा हुआ है, लेटर ऑन एक मूवी आई थी बाद में, बॉम्बे टॉकीज करके शायद 2013 की मूवी थी, जिसमें ये दोनों नजर आए थे। अगर आपने देखी तो बहुत अच्छा, नहीं देखी तो बिल्कुल मत देखिएगा, बिकॉज उस मूवी में देखने जैसा कुछ नहीं है। और दोनों एक्टर ना डिफरेंट फ्रेम में डिफरेंट कट्स में नजर आए हैं, आपस में कोई इंटरेक्शन भी नहीं था, सिर्फ हाइप बनाई गई थी जब ये मूवी आई थी कि भाई शाहरुख भी हैं, आमिर भी हैं, विद्या भी हैं, बड़े बड़े नाम हैं, बट ना ऐसा कुछ नहीं था इस मूवी में। अच्छा जी, तो मैं बात कर रही थी कि शाहरुख की, तो शाहरुख भी मंसूर खान जी की फर्स्ट चॉइस नहीं थे। सबसे पहले मंसूर खान जी ने इस रोल के लिए यानी मैक्स वाले रोल के लिए सलमान को अप्रोच किया था, बट सलमान ने इस मूवी के लिए हाँ भी बोल दिया। लेकिन उन्हें जब ये पता चला कि इस मूवी में ऐश्वर्या उनकी बहन है, तो इन्होंने ये रोल करने से मना कर दिया। ओ, ऐसा भी क्या था, ये तो रोल ही था, कर ही लेते तो क्या बात थी, लेकिन नहीं, इन बंदे ने मना कर दिया। फिर अल्टीमेटली घूम घाम के शाहरुख पे आके सुई अटक जाती है। शाहरुख देखा जाए तो हॉलीवुड में रिस्क लेना, लेकिन बॉलीवुड में वो रिस्क जो है हमेशा ले लेते हैं, फिर चाहे वो बाजीगर वाला रोल हो जिसे सबने मना कर दिया था, इन्होंने वो किया और कितनी सुपर डुपर हिट मूवी भी हुई। इसी तरह से ये वाला रोल भी शाहरुख ने एक्सेप्ट किया, क्योंकि देखा जाए उस वक्त ऐश्वर्या जो थी ना टॉप पर थी, बहुत ज्यादा डिमांड में थी, तो कोई भी एक्टर तैयार नहीं हो रहा था कि उनका भाई बने, ऑन स्क्रीन भाई का रोल प्ले करे, लेकिन शाहरुख ने किया। और उसके जस्ट बाद इन दोनों की साथ में मूवी आई थी मोहब्बतें, वहां भी लोगों ने इन्हें बहुत पसंद किया। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, ये भाई बहन का जो था ना कि थोड़ी सी आपस में रिजेम्बलेंस दिखे, इसके लिए शाहरुख ने बकायदा प्लानिंग ये की कि ऐश्वर्या की जो आईज का कलर है थोड़ा सा ब्लूइश सा है, तो मैं ब्लू कॉन्टेक्ट लेंसेज का इस्तेमाल करूंगा इस मूवी में। बकायदा उन्होंने कॉन्टेक्ट लेंसेज का इस्तेमाल किया और ये थ्रू आउट हर सीन में पहने रहते थे। जबकि बताया जाता है कि शाहरुख को बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी, कुछ एक घंटा उन्हें लगाने में लगता था, फिर फाइट सीन्स के दौरान उनको काफी परेशानी भी होती थी, बट ही डिसाइडेड नहीं नहीं वो फील नहीं जानी चाहिए। और वहीं पर ऐश्वर्या ने थोड़ी सी टैन स्किन दिखाने के लिए इसमें नो मेकअप किया था, जिसपे शाहरुख को लगा कि क्या मेरी स्किन टैन है, क्या मैं इतना अच्छा नहीं लगता ऑन स्क्रीन, जिसपे ऐश्वर्या ने उनके लिए बोला नहीं आप अच्छे लगते हैं, लेकिन हमें भाई बहन लगना है, तो वो भाई बहन वाली फीलिंग तो आनी चाहिए। तो देखो आपने कुछ मेरे लिए किया तो मैं भी आपके लिए कुछ करूंगी। इस तरह से ये मूवी बनी थी और इसे बनने में कुछ 4 साल से भी ज्यादा लग गए थे। इसे देखा जाए तो इस मूवी में ना बेशुमार फाइट सीन्स थे, पता है कितने थे, चलिए वापस आकर बताऊंगी। 5 o'clock यानी थर्ड आर हमारा स्टार्ट हो चुका है, और थर्ड आर में मैंने डिसाइड किया था कि आज
वन एंड ओनली आशा ताई जी का हैप्पी वाला बर्थडे है। तो ढेर सारे गाने आशा जी के मूवीज के और उनकी आवाज में हम प्ले करेंगे, और अगर आपका भी कोई फेवरेट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 6622107 पर, तो हो सकता है आपकी पसंद हमारी पसंद एक हो जाए और मिलकर हम सबकी पसंद बन जाए। अच्छा हाँ, मैं बात कर रही थी आपसे मूवी जोश की, तो देखा जाए इस मूवी में कुछ नहीं तो कुछ 70 फाइट सीन्स डाले गए थे, और हद तो तब हो गई थी जब एक सॉन्ग में भी फाइट सीन डाला गया। वो जो सॉन्ग था ना एकदम स्टार्टिंग में साइलरो साइलरी, इसमें बकायदा फाइट सीन्स डाला गया। कभी ऐसा होता है कि डांस में लोग भले डांस ना कर रहे हो लेकिन सॉन्ग्स में अगर डांस नहीं भी होते तो सिचुएशनल होते हैं, थोड़ा सा चल फिर रहे, लेकिन इस तरह से फाइट हाँ इसमें डाली गई थी। वैसे इस मूवी में ना कई लोगों को चोट भी आई थी, जिसमें अली असगर थे उनको अच्छी खासी चोट लगी थी फाइट सीन के दौरान। वहीं पर चंद्रचूड़ सिंह को भी अच्छी खासी चोट लगी थी, उन्होंने अच्छा खासा अपना जो शोल्डर था ना वो अच्छा खासा तुड़वा लिया था ये कह सकते हैं, और 8 से 10 दिन तक बकायदा हॉस्पिटलाइज रहे थे। वैसे इस मूवी की जो स्टोरी थी उससे कहीं ज्यादा इस मूवी का म्यूजिक पसंद किया गया था, जिसे अनु मलिक जी ने दिया था। मंसूर जी ने पहले AR रहमान जी को अप्रोच किया था लेकिन डेट क्लैश के चलते वो इस मूवी को कर नहीं पाए, जिसके बाद अनु मलिक जी को ये म्यूजिक दिया गया। एंड गाने वॉज लाइक अमेजिंग, जबरदस्त गाने थे, बहुत हिट गाने थे, एक के बाद एक हिट गाने दिए थे उन्होंने। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक सुपर डुपर हिट गाना सुनवाया था इसी मूवी से, हारे हारे, जिसे उदित नारायण और अलका याग्निक जी ने गाया था, वॉज द चार्ट बस्टर सॉन्ग उस साल का, जिसका लेटर ऑन रिमिक्स वर्जन भी बना था। हंटर्स ने लॉन्च किया था ये रिमिक्स वर्जन इन द एल्बम बॉलीवुड ब्रेक्स वॉल्यूम 1। वैसे इस मूवी के गाने तो हैं ही इतने अच्छे, मैंने बहुत सारे प्ले कर दिए हैं, और ये एक नहीं करूं तो कितना प्यारा है, ऐसा कैसे हो सकता है। ये भी खूबसूरत सा ट्रैक है उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में, हाय मेरा दिल, एंजॉय दिस ऑन #FilmMe विद नाज़िया ऑन FM 107 दिल से देसी। कहा है कि आज इनका हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने इस थर्ड आवर में, यानी लास्ट आवर ऑफ द शो। तो अगर आपके कोई फेवरेट सॉन्ग है जो कि आशा भोसले जी ने गाए हैं और आप चाहते हैं सुनना, तो आप मुझे जरूर भेज सकते हैं 6622107 पर। वैसे एक चीज मैं बताऊं, जब ये गाना आशा जी को दिया गया था तो उनसे कहा था, AR रहमान जी का इसमें इस मूवी में म्यूजिक था, तो उन्होंने कहा था कि उन्हें एक बहुत ही फ्रेशनेस चाहिए इस सॉन्ग के लिए। तो आपको पता है कि आशा जी को जब ये सॉन्ग दिया गया था तो उनकी एज क्या थी उस टाइम, शी वॉज 64, सोचो 64 की थी, और जब उन्होंने गाना गाया तो एवरीबडी इन द स्टूडियो सब खड़े होके सबने ताली बजाई थी। मतलब वो जो फ्रेशनेस चाहिए थी, जो बात चाहिए थी, वो सब कुछ था इस सॉन्ग में। एंड देन लेटर ऑन तन्हा तन्हा लता जी ने भी कमाल का गाया। वैसे देखा जाए तो इस सॉन्ग को ना बेलापुर रेलवे स्टेशन नवी मुंबई में शूट किया गया था, और शूटिंग के दौरान बहुत ज्यादा ट्रबल हो रही थी बिकॉज गाना चल रहा था और फिर जो था सीन होते थे बार बार, और उस गाने को सुनने के बाद होता ये था कि आसपास के लोग जो भी खड़े हो जाते थे वो वहीं पर नाचने लगते थे। तो इस तरह का इस सॉन्ग का जो था वो फील था, वो बात थी कि भाई, वैसे इनकी अगर गाने की बात की जाए, इनकी आवाज की बात की जाए आशा जी की, तो कोई बात कर ही नहीं सकते, देखा जाए तो बात नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, बहुत सारे ट्रिवियाज हैं जो मैं लेटर आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मौसम का हाल चाल आपको जल्दी से बता दूं। दर्ज हरारत टेम्परेचर तापमान दोहा में मैक्सिमम है 41, मिनिमम 32 एंड ह्यूमिडिटी है 44%, वही वक्रा का मैक्सिमम टेम्परेचर 42 विद मिनिमम 31 एंड humidity here 50%, alcohol ka maximum temperature 40 with minimum 30 and humidity here 51%, dukhan ka maximum temperature 40 with minimum 31 and humidity here 66%, aur ab chatpat se hum jo hai na jump karenge to wave ki taraf. #FilmMe नाज़िया के साथ FM 107 पे दिल से देसी। तो माँ बाप की कमी कभी भी कोई पूरा नहीं कर सकता। अक्षय कुमार जो देखा जाए कई दिनों से अपनी माँ की हेल्थ को लेकर काफी परेशान चल रहे थे, कुछ 6 दिनों से इनकी माँ हॉस्पिटलाइज थी, और अब ये सैड न्यूज आ गई है कि एक्टर अक्षय कुमार की माँ की डेथ हो गई है। जी हाँ, कोविड की वजह से कुछ फॉर्मेलिटीज जरूर चली हॉस्पिटल में थोड़ा लंबी, जिसके बाद इनकी माँ की बॉडी इनको दे दी गई थी, और अक्षय के करीबी दोस्त
और फैमिली मेंबर्स जो हैं वो घर पहुंच चुके हैं। बता देंगे इनकी माँ जो थी वो 77 ईयर्स की थी, कुछ सांस लेने की उनकी प्रॉब्लम चल रही थी और देखा जाए तो अक्षय के बर्थडे से ठीक एक दिन पहले इन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। जी हाँ, कल यानी 9 सितंबर को अक्षय कुमार का हैप्पी वाला बर्थडे होता है, तो पता नहीं इस बार तो वो बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करेंगे। वैसे उन्होंने पहले ये बात अनाउंस कर दी थी ट्वीट करके कि इस बार वो अपना बर्थडे जो है ना बिल्कुल सेलिब्रेट करना पसंद नहीं करेंगे, बल्कि अपना वक्त जो है वो ज्यादा से ज्यादा अपनी माँ के साथ गुजारेंगे। लेकिन अब ये न्यूज वेल होता ऐसा ही है कि जब कोई चला जाता है तो लोग उसे याद करते हैं, और मुझे लगता है कुछ ऐसे काम उनके नाम पे करने चाहिए जैसे कि बाद में उनको उनकी रूह को जो है ना वो सुकून मिलता रहे। वैसे बहुत सारे मैसेजेस जो है वो मेरे पास आ रहे हैं, आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही गेस कर लिया है जो मैंने एक छोटा सा प्रिल्यूड आप लोगों के लिए प्ले किया था, बताऊं कौन सा? चलिए जी सुनते हैं। आशा जी की आवाज में, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आज जो है आशा ताई का हैप्पी वाला बर्थडे है। जी हाँ, बॉलीवुड की दिग्गज प्लेबैक सिंगर आशा भोसले जी आज अपना 88th बर्थडे मना रही हैं। वैसे बर्थडे सेलिब्रेशन के हवाले से जब उनसे पूछा गया था, अभी हाल ही में उनसे पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि मुझे जो है ना सादगी से बर्थडे मनाना बहुत पसंद है, और एक बार फिर से वो अपनी बहू और अपने पोते के साथ लोनावला में ही सिंपल तरीके से बर्थडे मनाएंगे। जहां उन्होंने बताया कि बस कुछ नहीं होता है, हम फैमिली के लोग होते हैं, केक काटते हैं, सब साथ में मिलके हंसी खुशी खा लेते हैं, ऐसे एंजॉय करते हैं। अच्छा जी, वैसे एक हाँ मेमोरीज भी उन्होंने शेयर की थी और बताया कि पहले जब होता था ना तो कुछ ऐसा होता था कि जिस दिन इनका बर्थडे होता था खास करके उस दिन जो थी रिकॉर्डिंग रखी जाती थी जिससे इन्हें कुछ सरप्राइज दिया जाए, और जब ये रिकॉर्डिंग स्टूडियोज पहुंचती थी तो ये कहती हैं कि शंकर जयकिशन और आरडी बर्मन जी और बहुत सारे इंडस्ट्री के लोग बाकायदा इन्हें सरप्राइज देते थे, रिकॉर्डिंग के बहाने इन्हें बुलाते थे, फिर केक कटिंग होता था, फिर बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट होते थे ढोल तबला वगैरह बजाते थे, नाचते थे, गाते थे, और रिकॉर्डिंग नहीं होती थी सॉन्ग की, सिर्फ इन्हें कहा जाता था, बुलाया जाता था और एंजॉय बहुत बहुत इंजॉय करती थी। कहती है लेकिन अब जो है वक्त के साथ वैसा कुछ नहीं है, मुझे सादगी से अपना बर्थडे मनाना पसंद है। वैसे हाल ही में जब इनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया क्या अब भी आप चाहती हैं कि आप गाना गाएंगी आगे, क्या आप सोच रही प्लान कर रही, तो उन्होंने कहा क्यों नहीं, तो भाई ये क्यों नहीं जो है वो बहुत कुछ कह गया। जिनका हमने प्ले कर दिया, वैसे एक दो और भी कुछ रिक्वेस्ट है जो रह जाएंगी क्योंकि टाइम नहीं है, as you guys know, मेरे पास टाइम नहीं है, 12:52 हो चुके हैं, वक्त नहीं है, तो मैंने आपकी रिक्वेस्ट लिख ली है, नोट कर ली है। वैसे मैंने बैक टू बैक प्ले भी की है, और जिनकी आज मैंने नहीं चलाई है तो वो कल चलाऊंगी, ठीक है, ये पक्का वाला प्रॉमिस है कि कल जरूर चलाऊंगी। तो आज हम जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने थर्ड आर में आशा ताई जी का बर्थडे, तो प्रिल्यूड जो मैंने आपको सुनाया था आप लोगों ने सही सही गेस कर लिया, यूसुफ खान जी हैं, विक्रांत जी हैं, आफ्ताब जी हैं, अनवर जी हैं, और बहुत सारे लोग जिन्होंने सही गेस कर लिया, वो सॉन्ग फॉर श्योर आप लोग के लिए प्ले करूंगी। लेकिन उससे पहले एक बात बताऊं कि जब इनसे पूछा गया ना आशा जी से कि क्या अभी आप आगे भी गाना गाएंगी या प्लान करी, तो उन्होंने कहा क्यों नहीं, अभी इस पैंडेमिक से पहले मुझे कुछ 3 लाइव इवेंट शोज में बुलाया गया था और मैंने वहां पे गाना भी गाया, और जब गाने की बात आती है तो उनसे पूछा गया कि कौन से ऐसे सॉन्ग्स हैं जिनकी आपको सबसे ज्यादा फरमाइश आपके पास आती है, तो उन्होंने बताया कि चुरा लिया है, पिया तू अब तो आ जा, दम मारो दम, और फिर ये सॉन्ग इन आंखों की मस्ती। तो ये वाला सॉन्ग जो आपने सही गेस किया, जिसका प्रिल्यूड मैंने प्ले किया, हम राव जान मूवी से एंजॉय करते हैं। कल आपकी हमारी मुलाकात होगी 10:30 बजे, और अब से थोड़ी देर बाद आ जाएंगी आज महवेश खान अपना जबरदस्त शो लेकर। दिल चाहता है, एंजॉय कीजिए, सुनते रहिए FM 107। खुदा हाफिज़।